बीजेपी की पहली लिस्ट 2 मार्च को आ गई है। बीजेपी ने कुल 195 लोकसभा उम्मीदवारों की सूची जारी की है। छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि राजनांदगांव से वर्तमान में सांसद संतोष पांडे को एक बार फिर दूसरी बार टिकट दिया गया है। सांसद संतोष पांडे लोकसभा में एक प्रखर वक्ता के रूप में जाने जाते हैं और मुद्दे को अच्छे तरीके से उठाते हैं। राजनांदगांव से नैमिष अग्रवाल की रिपोर्ट। मैं दोबारा राजनांदगांव लोकसभा में प्रत्याशी के रूप में अवसर देने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन के और हमारे राष्ट्र के संगठन के और सत्ता के सभी को मैं हृदय से बधाई धन्यवाद तो देता ही हूँ, आभार करता हूँ। साथ ही हमारे राष्ट्रनायक यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अपनी टीम में दोबारा रखने का यह अवसर प्रदान किया, मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। साथ ही ये संस्कारधानी है, राजनांदगांव की जनता हमेशा मेरे को प्रोत्साहित की, मेरा उत्साह वर्धन किया है। मैं उनके प्रति जितनी कृतज्ञता वो कम है।